इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित त्रिपुरा के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन जी, भारत सरकार की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई देवू सिंह चौहान जी, सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर रतन चक्रवर्ती जी, रतनलाल नाथ शिक्षा मंत्री त्रिपुरा सरकार, रणजीत सिंह रॉय, श्री मनोज कांति देव, श्री मेवर कुमार जमातिया जी, सुश्री संतना चकमा जी, राम प्रसाद पॉल जी, भगवान चंद्र दास जी, सुशांता चौधरी जी, आलोक कुमार मुख्य सचिव त्रिपुरा सरकार और उपस्थित सभी विधायकगण, चुने हुए प्रतिनिधि और देश और विदेश में बैठे हुए त्रिपुरा के सभी मूल निवासियों को मैं त्रिपुरा दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हर राज्य के लिए अपने स्थापना का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और आज त्रिपुरा सुवर्ण जयंती अपनी मनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो ये वर्ष और ये दिन दोनों त्रिपुरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ही दिन मणिपुर और मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के दोनों राज्य भी अपना स्थापना दिन मना रहे हैं। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री और समस्त मणिपुर की जनता को स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मेघालय के मुख्यमंत्री जी और मेघालय की समस्त जनता को भी मैं हृदय पूर्वक मेघालय के स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं आपके सामने वर्चुअल मोड से उपस्थित हूं, तब यहीं दूर से ही मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर मेरी श्रद्धा उनके चरणों में समर्पित कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि ये मां त्रिपुरा सुंदरी न केवल त्रिपुरा, समग्र देश के आस्थावान लोगों के श्रद्धा का केंद्र है और मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से ही आज त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है और सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर रहा है। त्रिपुरा भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा अपना एक इतिहास रखने वाला राज्य है और राज्य के 50 वर्ष जब समाप्त होते हैं, तब मैं मानता हूं कि त्रिपुरा राज्य की प्रगति के लिए हमें एक संकल्प करना चाहिए। 25 साल के बाद त्रिपुरा कहां होगा उसकी संकल्पना करनी चाहिए और आज मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने संकल्प 2047 रखकर त्रिपुरा की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रास्ते, आज इसीलिए भारत सरकार के पोस्ट डिपार्टमेंट ने राज्य का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है और इंडिया परफ्यूम की भी एक लोगों का लॉन्चिंग आज किया गया है। मैं मानता हूं जिन लोगों को पुरस्कार मिला है वो सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत सारे कार्यक्रम श्री विप्लव देव के नेतृत्व में 15 तारीख से 21 तारीख के बीच में हुए हैं और ये सभी कार्यक्रम जिस प्रकार से कोविड होते हुए भी जनता का जिसको समर्थन मिला है, उससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जनता इस त्रिपुरा दिन के उत्सव में मन से हिस्सा लिया है और जनता का आशीर्वाद आज भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता विप्लव देव के साथ है। मित्रों, बंटवारे के समय से अनेक विभीषिकाओं को झेलने का काम ये त्रिपुरा राज्य ने किया है और बंटवारे के समय महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य एक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने भारतीय संघ के साथ
जुड़ने का अपनी घोषणा की थी। जब से विवाद चालू हुआ, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले भारतीय संघ का समर्थन करने का काम किया था। और जब मुस्लिम आतताई पाकिस्तान की ओर से, पूर्वी पाकिस्तान की ओर से त्रिपुरा में घुसने लगे थे, तब महाराजा महारानी कंचन प्रभा जी ने ही शिलोंग से सरदार पटेल के साथ बात कर मदद मांगी थी। और सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आसाम से वायुसेना भेजकर त्रिपुरा को बचाने का काम किया था। आज त्रिपुरा के स्थापना दिन पर मैं सरदार पटेल को भी निश्चित याद करना चाहूंगा, जिनके त्वरित और दूरंदेशी निर्णय के कारण आज हमारा त्रिपुरा महान भारत का एक हिस्सा है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी का बहुत सारा योगदान त्रिपुरा के पिंड बनाने में रहा है। रुद्रसागर तालाब हो, निर्मल हो, शिक्षा हेतु सैकड़ों एकड़ पुश्तैनी जमीन दान करनी हो, अगरतला का हवाई अड्डा बनाना हो, हर क्षेत्र में राजा साहब ने त्रिपुरा के विकास की नींव डाली। और इसीलिए राजा साहब की स्मृति में त्रिपुरा एयरपोर्ट का नाम अपनी नीतियों को बदलकर भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा साहब के नाम पर रखा है। और एक 438 करोड़ की लागत से भव्य और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बनाने का काम त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा का एयरपोर्ट जो लोग देखते हैं वो बताते हैं कि पुराने एयरपोर्ट की तुलना में त्रिपुरा का एयरपोर्ट बहुत अच्छा और आधुनिक है। इस प्रकार का एयरपोर्ट राजा साहब के नाम के साथ जोड़ने का काम किया है। महाराजा के समय में लगभग 100 साल पुरानी 150 से ज्यादा स्कूलें भी हैं। और मैं मानता हूं कि इन्होंने हमेशा टैलेंट को बढ़ावा देने का काम किया था। और टैलेंट बढ़ाने में सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस को अगर त्रिपुरा महाराजा आर्थिक सहयोग न करते तो वो शायद विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में और देश के लिए इतना गौरव प्राप्त न कर पाते। आज मैं स्थापना दिन के दिन पर महाराजा जी को भी प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देकर बात करना चाहता हूं। मित्रों, लक्ष्य 2047 हमारे सामने आज घोषित किया गया है। ये सिर्फ बुकलेट नहीं है, ये कोई 50 पन्नों का दस्तावेज नहीं है, ये त्रिपुरा की जनता की आशा और आकांक्षा का चित्रीकरण है। ये कोई एक बुकलेट नहीं है, त्रिपुरा के भविष्य का खाका जिसमें है, इस प्रकार का एक महान दस्तावेज है। आने वाली पीढ़ियां और विशेषकर युवा त्रिपुरा कैसा बनाएंगे, त्रिपुरा कैसा गढ़ेंगे और त्रिपुरा के विकास में कैसा योगदान करेंगे, इसका एक खाका है। जो मुख्यतः 6 क्षेत्र इसके अंदर चिन्हित किए गए हैं, कृषि, सामाजिक समरसता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, उद्योग और इन्वेस्टमेंट, प्रशासनिक सुधार और दूरसंचार और मदद रसद। इस सारे क्षेत्रों में किस प्रकार से त्रिपुरा आगे बढ़ेगा, इसका एक खाका रखने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 130 करोड़ की जनता के सामने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त ये 25 साल के कालखंड को संकल्प का कालखंड बताने का काम किया है। क्योंकि आज ही भारत की जनता ने तय करना पड़ेगा कि जब भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाता होगा उस वक्त भारत कहां होगा, हर क्षेत्र में हम कहां पहुंचे होंगे और वो कवायद ही हमें महान बना सकती है, दुनिया के नक्शे पर अपना सम्मानजनक स्थान निश्चित कर सकती है। मित्रों, ये 25 साल प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक त्रिपुरावासी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने के 25 वर्ष है। अगर देश को छलांग लगानी है, दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करना है, तो 25 साल को संकल्प के काल के रूप में मानकर आगे बढ़ना होगा। और हर व्यक्ति ने अपनी सोच छोड़कर देश को आगे बढ़ाने की सोच लेकर आगे बढ़ना होगा। बहुत लंबा कालखंड
देश गुलामी में रहा, अंग्रेजों की गुलामी हमने झेली, मुगलों की भी गुलामी हमने झेली, परंतु अब जब देश आजाद है तब गुलामी के कालखंड के कारण जो हम पिछड़े हैं वो आज क्षतिपूर्ति करने का ये 25 साल है। और मैं मानता हूं कि विप्लव जी ने लक्ष्य 2047 नामक जो एक दस्तावेज त्रिपुरा की जनता के सामने रखा है, त्रिपुरा के युवाओं के सामने रखा है, वो त्रिपुरा को महान बनाने की, त्रिपुरा को विकसित बनाने की, त्रिपुरा को सुरक्षित बनाने की और त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम करेगा। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट की जहां तक मैं बात करूं, मोदी जी ने शासन में आने के बाद हमेशा नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के बीच की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है, एक मानसिकता को बदलने का प्रयास किया है और पूरा नॉर्थ ईस्ट विकसित हो, इसलिए उन्होंने आठों राज्य को अष्ट लक्ष्मी का उपनाम देकर उसके विकास का संकल्प किया और हर 15 दिन में कोई ना कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाए, इस प्रकार की रचना करी है और ढेर सारे काम नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज जमीन पर उतर। नॉर्थ ईस्ट एक जमाने में करप्शन के लिए जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट में जो पैसा पहुंचता था दिल्ली, जाता था दिल्ली से, जनता तक पहुंचता नहीं था। आज मैं गौरव के साथ कह रहा हूं कि आठों राज्यों में नेडा की सरकार है और जो पैसा दिल्ली से जाता है वो पूरा का पूरा विकास में खर्च होता है। मित्रों, त्रिपुरा में भी ढेर सारे विकास के काम हुए, त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट के गेटवे के रूप में विकसित करने का भी काम हो रहा है, रोड और रेलवे से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल वाटरवे कनेक्टिविटी के कारण बहुत विकास आने वाले दिनों में, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में त्रिपुरा में आने वाला है। अगरतला अखोरा रेल लिंक का काम भी तेजी से चल रहा है। शांति और स्टेबिलिटी, त्रिपुरा के अंदर विप्लव देव और जिष्णु देव बर्मन ने मिलकर हमारी त्रिपुरा सरकार ने शांति लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। कभी उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेट, ड्रग, आर्म ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार, जातीय तनाव, इसकी जगह आज विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, इस दिशा में त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2019 में एनएलएफटी के साथ समझौता करकर भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, जिससे आज एक अनरेस्ट का वातावरण समाप्त हो गया है। 100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया और 40 करोड़ रुपए का रुपया त्रिपुरा सरकार को जारी भी कर दिया गया है। ब्रू समझौते में भी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज देकर लगभग 37,000 लोगों की 30 साल पुरानी समस्या का समाधान करने का काम किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ब्रू शरणार्थी भाई अब मेन स्ट्रीम में आकर भारत के और त्रिपुरा के विकास में अपना योगदान दे देंगे। लगभग 1.5 लाख रुपए की आवासीय सहायता भारत सरकार ने दी है, त्रिपुरा सरकार ने प्लॉट दिए हैं, 2 वर्षों तक 5,000 रुपया प्रति माह उनको मिलना है, मुफ्त राशन मिलना है और अब आगे उनके बच्चे भी पढ़े लिखे नई पीढ़ी बने और उनको रोजगारी भी मिले, इस प्रकार का आगे आयोजन भी हुआ है। मित्रों, कम्युनिस्ट शासन ने त्रिपुरा को बहुत पिछड़ा राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रतिद्वंदियों पर हिंसा करना ही कम्युनिस्टों की राजनीति रही, कभी भी विकास के दृष्टिकोण से सरकारें चली ही नहीं। और मुझे बड़ा अफसोस है कि त्रिपुरा जैसा महत्वपूर्ण राज्य 2 दशक तक विकास से महरूम रहा, मगर त्रिपुरा ने मोदी जी पर श्रद्धा रखी, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनाई और आज त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल रहा है। ये 2 दशक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 450 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग सालों सालों तक अपने घर नहीं जा पाए,
घूमते रहे अपने ही राज्य में, अपने ही देश में, वो बेसहारा होकर शरणार्थी होकर रहे, मगर आज इस सब का जो प्रयास था और सबका जो तपस्या थी, इसका सुफल मिलने लगा है और त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल रहा है। ये त्रिपुरा सरकार बनने के बाद विप्लव देव ने नशा मुक्त त्रिपुरा ये अभियान लिया और जो नशे की तस्करी राज्य सरकार के आश्वासन से चल रही थी उस पर कड़ाई करने का काम किया है। त्रिपुरा अब ड्रग तस्करों के लिए सुरक्षित मार्ग नहीं है। विप्लव देव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस अभियान के कारण न केवल त्रिपुरा के युवा नशे से मुक्त हुए हैं, परंतु देश भर के अंदर ड्रग आने का सबसे बड़ा रास्ता आपने बंद किया है। इसलिए मैं भारत सरकार की ओर से त्रिपुरा सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिस दृढ़ता के साथ त्रिपुरा ने इसको हाथ में लिया है। नशीले पदार्थ से जुड़े सैकड़ों मामले दर्ज किए गए, नशीली टैबलेट्स और हीरोइन जब्त की गई है, कुछ ऐसी दवाइयां बनाई जाती थी उसको भी रोकने का काम किया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है तो जनजाति समाज को नशा मुक्ति अभियान से सबसे बड़ा फायदा हुआ है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमारा जनजाति समाज हुआ है। मित्रों, डबल इंजन की सरकार 2018 से जब से चल रही है, आमूल चूर परिवर्तन हुआ है। नियत, नीति और नियम, ये 3 N के साथ त्रिपुरा सरकार आगे बढ़ी है और डबल इंजन सरकार का ढेर सारा फायदा त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलता है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, 2017-18 में त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय 1,00,000 रुपया थी, 3 ही साल के अंदर 2020-21 में 1,00,000 से बढ़कर 1,30,000 हुई है। मैं मानता हूं शायद किसी भी राज्य का 30% का बढ़ोतरी नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि डबल इंजन सरकार की त्रिपुरा के अंदर है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन ने जिस प्रकार से सुशासन को नीचे उतारा है, इसी का ये परिणाम है। किसानों की मासिक आय की बात करें तो 15-16 में 6,580 रुपया था और 2020-21 में 6,580 से बढ़कर 11,096 रुपया, मतलब मोदी जी ने जो संकल्प रखा था किसानों की आय 2 गुना करने का, उसको त्रिपुरा सरकार ने सिद्ध किया है, पूरा किया है, ये भी बधाई के पात्र है। लगभग 2000 करोड़ का निवेश आया है। त्रिपुरा की इन्वेस्टमेंट समिट में 100 से ज्यादा उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया, अपनी संभावनाओं को तराशी है। 2800 करोड़ रुपए की धनराशि के ज्ञापन समझौते हुए, सिर्फ आईटी में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बहुत अच्छी हुई, गंभीर गुनाहों में 26% की कटौती शायद ही किसी राज्य ने 2 साल के अंदर सिद्ध की होगी। कृषि के क्षेत्र में भी त्रिपुरा ने ढेर सारी उपलब्धियां की हैं। लगभग 86,000 हेक्टर को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किया गया। वास्तविक भूमिहीन टेनेंट किसानों के लिए मुख्यमंत्री बरगदर योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री सिंचाई कार्यक्रम के तहत 65,000 हेक्टर भूमि को चिन्हित कर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है और प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 2,50,000 किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, जिससे 1,500 छोटे किसानों को लोन लेने की भी जरूरत नहीं मिलती। त्रिपुरा राज्य की स्थापना के बाद पहली बार विप्लव देव सरकार बनने के बाद, भाजपा सरकार बनने के बाद 41,000 किसानों से 72,000 मेट्रिक टन धान 130 करोड़ रुपए का भुगतान कर खरीदा गया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैविक खेती में भी त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है। लगभग 15,000 हेक्टर क्षेत्र में अनानस, सुगंधित चावल, अदरक, हल्दी और मिर्ची उगाई गई। मैं मानता हूं
कि आने वाले दिनों में जैविक खेती का महत्व बहुत बढ़ने वाला है। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, आपने जो बेस डालने का काम किया है, ये बेस पर एक मजबूत इमारत होगी और किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के कारण लगभग 2 गुना भाव मिलने की संभावनाएं हैं। और जो मोदी जी ने ट्रेन चालू करी है किसानों के लिए, वो ट्रेन से त्रिपुरा के किसानों का उत्पाद दिल्ली तक बहुत सरलता से पहुंच सकता है। इसके अलावा सुपारी, सतकोरा और अदरक का भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात हुआ है, कटहल का भी निर्यात हुआ है, घोड़े पर और इमरी का निर्यात भी हुआ है और अनानास का भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात हुआ है। बांबू की खेती को बेस बनाकर लगभग 1000 बांबू कारीगरों को प्रशिक्षित करने का काम भी किया है। मित्रों, गरीब के लिए हर व्यक्ति को घर मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 7 लाख गरीब परिवारों को घर देने का काम आगे बढ़ा है। हर परिवार को लगभग कोरोना हुआ तब से फ्री ऑफ कॉस्ट राशन नरेंद्र मोदी सरकार प्रति व्यक्ति दे रही है 5 किलो। और कोविड के अंदर बहुत अच्छा प्रबंधन त्रिपुरा सरकार ने किया, इसके कारण कम से कम नुकसान में आज हम कोविड के बाहर लगभग लगभग आते हुए दिखाई पड़ते। वैक्सीनेशन ड्राइव को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया है और लगभग लगभग लाभार्थियों की संख्या में घरों में लगभग 90% को घर बनाने की मंजूरी दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ढेर सारे काम हुए हैं, 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को 542 किलोमीटर की मंजूरी दी है, इसका काम भी चालू हो रहा है। अगरतला अकोरा रेल लिंक निर्माणाधीन है, निश्चितपुर में एकीकृत चेक पोस्ट बनाई है, 6 एक्सप्रेस ट्रेन अगरतला से देश के जुदे जुदे हिस्सों में जा रही है, किसान ट्रेनें और डेमो ट्रेन भी चलाई जा रही है। फ्लोटिंग जेटी के उद्घाटन के साथ श्रीमंतपुर टर्मिनल अंतरदेशीय जल परिवहन के मानचित्र पर आ गया है और प्रधानमंत्री जी की सौभाग्य योजना के तहत 1,36,000 घरों में पहली बार आजादी के बाद रोशनी पहुंचाने का भी काम हो रहा है। अटल जलधारा मिशन के अंदर निशुल्क कनेक्शन देने का भी काम हुआ है और लगभग पूरे त्रिपुरा में हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल के द्वारा पहुंचे, इसका भी खाका किया गया है। मित्रों, एक नए युग की शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा ने करी है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज जो लक्ष्य 2047 रखा गया है, वो त्रिपुरा का कायाकल्प करने वाला एक दस्तावेज बनने वाला है। मैं त्रिपुरा के सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि आइए आप त्रिपुरा की विकास यात्रा में जुड़िए, आइए आप मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा में जुड़िए और भारत जब शताब्दी बनाएगा, अपना त्रिपुरा छोटा सा ही परंतु देश का सबसे विकसित राज्य बने, इस प्रकार का पुरुषार्थ हम सब लोग करें। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी त्रिपुरा वासियों को त्रिपुरा स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विप्लव देव जी और विष्णु देव जी की जो जोड़ी है उसको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने त्रिपुरा को विकास के नक्शे पर ले गए हैं। आप सभी को बधाई देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।